हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज के लिए मिनी मॉक टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, मतलब इसके अंदर जीके और मैथ दोनों रहेंगे, लेकिन ये मिनी मॉक टेस्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 5 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन आपके पास जो है वो जीके से रहेंगे। तो ये न्याय सीरीज है, ये आपके एग्जाम तक जो है वो एज इट इज चलती रहेगी। तो ये मिनी मॉक टेस्ट 1 है, जिसके अंदर आपके पास जीके और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के पहला मिनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास जो है वो मैथ से रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बोला गया है कि आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको सिंपली ये सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम रूल फॉलो करते हैं, कौन सा, बोर्ड मास का। हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से पाँच कट जाएगा, पंजू पंजू 25 और 11 चौके 44 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 11/5 डिवाइडेड बाय 5/4 बचेगा डिवाइडेड बाय 33/15 मेरे पास यहाँ पर बचने वाला है। फिर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का आता है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44/ कितना 25 डिवाइडेड बाय कितना 33/15। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 44/25 मल्टीप्लाई बाय 15 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे आ जाएगा। कटिंग करेंगे, 11 चौके 44 होता है, 11 3 33 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 होता है, 5 3 15, 5 5 25, 3 2 6 और तो 6/5 ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इजिली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि एक दुकानदार 115.20 रुपए में 288 संतरे खरीदता है, यानी कि आपके पास क्रय मूल्य दे रखा है कितने संतरों का, 288 संतरों का वो दे रखा है कितना, 115.20 रुपए दे रखा है, ये क्रय मूल्य हो गया टोटल। कहता है कि 50 संतरे बेचता है 70 पैसे प्रति संतरे की दर से। तो जब बेचेगा यानी कि विक्रय मूल्य की बात करें तो 50 संतरे बेचेगा और एक संतरे का प्राइस कितना है, 70 पैसे है। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, 100 कर देंगे, तो कितने रुपए में बेचेगा, 35 रुपए में बेचेगा 50 संतरे। फिर जो बच गए, 288 में से 50 बेच दिए तो कितने बच गए, 238। ठीक है, 288 में से 50 संतरे बेच दिए तो 238 बच गए और इनको बेचेगा कितने के हिसाब से, 46.20 रुपए के हिसाब से। तो 46.20 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 288 जो कह रहा है कि शेष बचे हुए संतरे जो है वो 200, अच्छा बचे हुए संतरे सॉरी, 200 जो ये बच गए संतरे, कितने बच गए, 238 बच गए और इनको इसने बेचा 46.20 रुपए में। तो जो बच गए उनका क्रय मूल्य कितना, उनका विक्रय मूल्य कितना, 46.20 रुपए है। तो टोटल विक्रय मूल्य हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे 81.20 रुपए आ जाएगा। ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, इन दोनों का अंतर अगर हम करते हैं तो 115.20 में से 81.20 को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास बचा है कितना, 34 रुपये। तो 34 रुपये का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो हानि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसे हम क्या करें, 460 के 20% जो है उसमें अगर हम उस संख्या को जोड़ें, जोड़ने पर जो योग आएगा वो किसके बराबर होगा, वो 920 के 70% के जो है वो बराबर होगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 00 से ये 00 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 00 से यहाँ 00 कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 92 जमा x बराबर है 7 2 14 होता है, 1 7 7 6 कितना 63 हो जाएगा, 664। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 644 माइनस में कितना 92। तो 644 में से अगर हम 92 को माइनस करेंगे, लास्ट में 2 बचेगा 14, यहाँ पर बचेगा 5, 552 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि 5 दोस्तों का भार जो है वो 67 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 70, 90 और 103 किलोग्राम है।
औसत आपको ज्ञात करनी है, एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, 67 + 85 + 70 प्लस कितना 90 प्लस कितना 103, और बटे में कितने कितने दोस्त हैं, ये 5 दोस्त हैं, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम इसको 5 कर देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आएगा 415, 415 को 5 से भाग करेंगे, 5 बटे 40, 5 दिए 15, कितना आ जाएगा, ये 83 kg आ जाएगा, यानी कि इन सबका औसत कितना है 83 है। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो मेरे पास बचेगा 4 × 7 माइनस में 3, फिर बड़ी ब्रैकेट है 7 × 4 भाग कितना 12, और 4 बटे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 7 माइनस में 3, बड़ी ब्रैकेट 7 × 1/3 आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 × 7 माइनस में 7, 7 चौके कितना होता है 28, 28 − 7 करें कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को खासकर आराम से और ध्यान से देख के करना है, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। अब हम बढ़ते हैं जीके की ओर, और जीके के से पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। बोला गया है कि वह नृत्य जो बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के सहायक वस्तु से किया जाता है डैश है, तो आपको वो नृत्य बताना है जो बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के सहायक वस्तु के साथ किया जाता है, बिना किसी संगीत के संगीत वाद्य यंत्र की सहायक वस्तु से किया जाता है, तो उसको कौन सा कहते हैं, उसको हम कहते हैं वालर नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देवा प्रसाद डांस पंकज सॉरी देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं, ये तीनों का नाम आपको दे रखा है, कौन सा है, देवा प्रसाद दास है, पंकज चरण दास है और गंगाधर प्रधान है, ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी से। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हुयलेश्वर मंदिर विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो हुयलेश्वर मंदिर आपको बताना है कि कौन से राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, मिटांका दर्रा भारत चीन और अफगानिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में स्थित है, कौन सा है, मिटांका दर्रा की बात हो रही है, मिटांका पास की बात हो रही है, ये भारत चीन और अफगानिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी काराकोरम पर्वत श्रेणी में, यानी कि काराकोरम रेंज में है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मध्य प्रदेश उसी तरह से हीरे से संबंधित है जैसे कर्नाटक डैश से संबंधित है, तो कर्नाटक किसके लिए संबंधित है, सोना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, सबको पता है डबल फॉल्ट जो है वो टेनिस में होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है रानी की वाव डैश पर स्थित है, कहाँ पर है रानी की वाव, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके पास पटना गुजरात सॉरी पटना गया पाटन गुजरात माफ कीजिएगा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पाटन गुजरात में है ये, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो कौन सा है, वो होगा आपके पास गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP का वास्तुकार है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो सबको पता है किसके, APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि डैश में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया, तो डैश में कब सन बताना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था, कब किया था, तो 1993 में किया था ये, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें कौन से आर्टिकल में है, यानी कि समेकित निधि के संबंध में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में आता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसे किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सबको पता है ये नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो देश दे रखा है और उनकी राजधानी दे रखी है, इनका मिलान करना है। तो लेबनान की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो बेरूत है। जॉर्डन की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो अमान है। डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। और वियतनाम की कौन सी है, हनोई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था यह बताना है। समाजवादी जोड़ा गया था, सार्वभौम ये नहीं जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा, ये शब्द जो था वो नहीं जोड़ा गया था। अगला है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ए आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है किसकी नियुक्ति आपके पास, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य राजा कौन था, बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, यहाँ पर यूटी पूछा गया, तो कौन से में है, वो है दादर है नागर हवेली। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा, साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। आगे हमारे पास, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वो करक्यूमिन के जो होता है उसके कारण जो होता है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, करक्यूमिन के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कहता है कि भारती भारती शिवाजी और कनक रेल डैश के प्रतिपादक हैं। रेले भारती शिवाजी और कनक रेले आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ किसके हैं, तो ये कौन से डांस से हैं, ये मोहिनीअट्टम से हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 20 जीके के क्वेश्चंस और 5 मैथ के क्वेश्चन जो कि आपकी न्याय न्याय सीरीज के थे। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।